अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आइयो बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मजे में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। सो नायमा को बहुत टाइम से था कि उसका मेकअप सेट हो, तो इस तरीके से हम लोग को मिला। बाकी उसको दूसरे टाइप का था, सारी चीज़ें चाहिए थी, तो हमें ये मिला, तो उसी में वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई उसके लिए। और ये मैंने टेबल लाई हूँ फोल्ड वाला, जो कि मैं मुझे जैसे कार वगैरह में काफ़ी स्पेस है हमारा सामने सीट में, तो इसको फोल्ड करके ले जा लो, और कभी कोई बैठे और जगह ना हो तो इसको बढ़िया लगा लो और बैठ बच्चों को बिठा दो, जैसे नायमा को भी अपन बिठा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, फोल्ड वाला है, इजीली इस तरीके से फोल्ड करके कहीं भी रख दो, घर में स्पेस बना रहता है। और इजीली बच्चों को मुझे कंघी वगैरह करना पड़ता है जैसे नायमा शीरिंग की, तो बढ़िया इसमें बिठा दो, या स्टडी करना है तो ईजी होता है बहुत ज़्यादा, और इस तरीके से पकड़ के आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और यूज़फुल चीज़ है ये टेबल। नहीं तो ऐसा है कि जो टेबल बना रहता है नॉर्मली अपन उसको कहीं रख ही सकते हैं, इस तरीके से फोल्ड नहीं कर सकते, तो इस तरीके से फोल्ड होता है और इजीली फोल्ड हो जाता है। और ये मैं देखिए कितना क्यूट सा लाई हूँ, मुझे एक नज़र में पसंद आ गया। ये ऑयल की बॉटल है, इतनी प्यारी, जैसे मुझे मेरे पास सभी चीज़ें ब्रश है, ऑयल का अलग डब्बा है, लेकिन ये इतना प्यारा लगा था मुझे कि रहा नहीं गया। और जैसे मुझे पराठा वगैरह बनाना है या कोई भी चीज़ बनाना होता है ना, तो डायरेक्ट बॉटल से आप ऐसे डाल सकते हो, वो स्पून से लो, कटोरी में करो, बहुत मुझे तामझाम लगता है। तो ये मेरे लिए इतना इजी हो गया था, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये इस तरीके से है और बढ़िया क्लोज हो जाएगा ये फिर, तो इतने ईजिली इसमें भर के और फिर आप ऐसे ऐसे करोगे तो बहुत ईजी। और ये मैंने ले आई थी नायमा के लिए टॉबल, क्योंकि सभी के लिए लेके आई, नायमा के लिए नहीं लाई थी, तो नायमा के लिए फिर ये लेके आई। और ये मैं टेबल का लाई हूँ कवर, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे ये ग्रीन कलर, इस तरीके से लीफ बनी थी, बहुत सुंदर लगता है जब ये ग्रीन कलर का टेबल में बिछाओ तो एक अलग लुक होता है। मैंने आप लोग को बताई कि ये सारी चीज़ें मैं इस बार शॉपिंग कर रही हूँ। फिर मैंने ज्वेलरी का बॉक्स लेके आई थी, या कोई भी आप इस तरीके की चीज़ें, मुझे बाहर जाना होता है सामान रखना है तो मैं इसी में रखती हूँ। और इनके लिए से लेके आ गई थी मैं हैंड ग्लव्स, जो कि काफ़ी ठंड पड़ रही है यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि आते हैं ड्यूटी से तो ये काफ़ी यूज़फुल होंगे, तो ये मैंने लेके आ गई थी। तो बहुत प्यारे लग रहे थे, स्पोर्ट्स के थे, ओरिजिनल कंपनी के, और काफ़ी अच्छे ब्रांडेड हैं, और कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा दिया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो ये भी ले ली थी मैं। और बहुत सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से ले ली हूँ। ये है नायमा का टॉवल, जो कि सभी के लिए आ चुका था, नायमा के लिए बाकी था, तो ये मैंने क्यूट सा लेके आ गई थी, वाइट कलर था, बट मुझे बहुत पसंद आते इस तरीके से टॉवल वगैरह, तो वाइट ही होना चाहिए। और इसमें कुछ इस तरीके से लिखे थे, कलरफुल टेडी बियर बने थे, फूल 1 2 3, तो बच्चों को ये सब बड़े प्यारे लगते हैं, तो उनके हिसाब से, अभी नायमा थोड़ी छोटी है तो उसके हिसाब से मैंने ले आई थी। और कपड़े की क्वालिटी तो बिल्कुल A1 थी, ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने ये ले आई थी टेबल क्लॉथ, जो कि ये कलर बहुत प्यारा लग रहा था, और ग्रीन इस तरीके से, तो मैं आपको बिछा के दिखाती हूँ पूरा, मैंने पहले आप लोगों को नहीं दिखाया था, ये देखिए ये ऐसे पूरा, और काफ़ी बड़ा है, अच्छे बड़े टेबल को ये कवर कर सकता है ईजिली, और इस तरीके से जब मैं बिछाई तो बहुत सुंदर लग रहा था। और इसके फ्लावर वगैरह बड़े प्यारे से हैं, और क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी, तो इस तरीके से ये सब मैंने पूरा सामान लेके आई, सो आप लोग को दिखाती हूँ पूरा। हैंड ग्लव्स हो गए थे, बॉक्स हो गया था ज्वेलरी वाला, टॉवल वगैरह हो गया, टेबल क्लॉथ, और टेबल हो गया था नायमा का फोल्ड इन वन वाला। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने ली हूँ वुलेन रजाई, जो होती है ना कि बिल्कुल पतली सी होती है और बहुत ज़्यादा गर्म करती है, वो वाली मैंने लाई हूँ वुलेन रजाई। इस बार बहुत चल रही है और हमने सोचा कि अक्सर ये लगती है, और इतना प्यारा कलर लग रहा था, इतना अच्छा, और इसमें एक बेडशीट फ्री थी, मतलब साथ में मिलती है बेडशीट, और बेडशीट के अंदर ही पिल्लो कवर। और इस तरीके से बेडशीट में इस बार सिंगल वाली भी लाई हूँ, जो इस तरीके से रैप रहती है ना, जो ओपन करके नहीं देख सकते। ये देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा था, डिज़ाइन वगैरह भी सब बहुत सुंदर थी। ये रही बेडशीट, और एक साइड है पिल्लो कवर, ये ओपन करके इस तरीके नहीं दिखाते, बट इनकी कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और ये रही रजाई वोलेन वाली, जो बोलते हैं ना वो रजाई, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, थोड़ा ही बहुत ही खोल के दिखाऊंगी, पूरा अभी नहीं बता पाऊंगी, मैं जस्ट जल्दी जल्दी वीडियो बनाई थी, मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर दूँ। तो ये देखिए इस तरीके से रहती है, बहुत लाइट वेट रहती है, बहुत हल्की और पतली सी रहती है, बट बहुत
इसको लेने का यही तरीका है कि आप क्वालिटी वाइज ही लें तो अच्छा है, नहीं तो क्या है बहुत कम आप कम प्राइस का लेते हैं ना तो फिर वो लो क्वालिटी की मिलती, उतने दिन ज़्यादा नहीं चलती। इसमें कलर की गारंटी है, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, उसकी गारंटी रहता, अच्छी वाली लो आप। तो बहुत प्यारी लग रही थी ये रजाई, बहुत सुंदर देखने में भी, तो हम लोग ने ये ले ली है। फिर एक और ले ली जो कि मैं उसके वीडियो आपको कभी और दिखाऊंगी, वो रजाई का भी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, हम लोग को तो बहुत मज़ा आ रहा है। और ठंडी में बहुत ज़्यादा गर्म करती है ये रजाई, बहुत क्यूट सी लग रही थी, बहुत प्यारी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।